हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवानी की रसोई। आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट कॉर्न वड़ा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कम टाइम में इजी से बन जाता है। स्वीट कॉर्न को ऐसे वड़ा बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएगा। शाम को स्नैक्स के टाइम में भी बना के खा सकते हैं। सबसे पहले स्वीट कॉर्न को छील लेंगे। अभी हम स्वीट कॉर्न को छील लिए हैं, उसमें एक लहसुन उसका छिलका छील के डालेंगे, एक प्याज डालेंगे स्लाइसेस में काट के, 4 हरी मिर्च डालेंगे और 4 कम तीखा वाला लाल मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आपके टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल लीजिएगा। अभी हम इन सभी को ग्राइंडिंग कर देंगे। बिना पानी डाल के ग्राइंडिंग कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक पानी निकलता है। स्वीट कॉर्न प्याज चीनी डाले हैं इसीलिए, नहीं तो बैटर पतला बन जाएगा, वड़ा बनेगा नहीं। ग्राइंडिंग किया हुआ बैटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। छोटा एक बाउल बेसन डालेंगे, छोटा एक बाउल चावल का आटा डालेंगे। सभी को अच्छे से मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किए हैं। अगर पानी ऐड करेंगे तो बैटर पतला बन जाएगा और वड़ा बनेगा नहीं। अभी हम चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस में। स्टोव के ऊपर कढ़ाई बिठा देंगे और जितना ऑयल फ्राई करने के लिए ज़रूरत है उतना डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद हाथ में हल्के से पानी लगा देंगे और बैटर को हाथ के ऊपर रख के वड़ा शेप में बना देंगे। दूसरे हाथ में भी पानी लगा के गरम तेल में डालेंगे। ऐसे ही बाकी बैटर को भी बनाएंगे। याद रखिएगा, तेल गरम करते समय गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। वड़ा बनाते समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, जिससे कि ऊपर कलर भी अच्छा आएगा और अंदर से भी अच्छे पक जाएगा। दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और निकाल देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही बाकी सभी बैटर को भी वड़ा बना लेंगे। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।